हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शब्द भंडार पाठ से एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, इसे लिखा इसमें हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उसके अर्थ में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, जैसे भवन का अर्थ है मकान तथा भुवन का अर्थ है संसार, ठीक है। तो भवन और भुवन केवल ओ की मात्रा का अंतर है, इसका अर्थ है मकान और भुवन का अर्थ है संसार। तो उपर्युक्त शब्द एकार्थक प्रतीत होते हुए भी अर्थ में भिन्नता रखते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे ये शब्द दिया हुआ है अधिक, अधिक का क्या अर्थ है बेटा? जरूरत से ज्यादा, जब कोई चीज रहती है तो उसको कहते अधिक। इसी तरह है एक शब्द पर्याप्त, इसका अर्थ है जितनी जरूरत है, अनिवार्य जिसके बिना काम संभव न हो, आवश्यक जरूरी, अनुरोध विनती करना, प्रार्थना निवेदन करना, अवस्था हालत, आयु पूरा जीवन काल, उत्साह जोश, साहस हिम्मत, कष्ट सभी प्रकार के दुख, क्लेश मन का दुख। कष्ट जो है सभी प्रकार के दुख को कहते हैं, और क्लेश कहते हैं मन में जो अगर कोई कष्ट है तो उसको कहते हैं। खेद गलती करने पर दुख प्रकट करना, शोक मृत्यु पर दुख प्रकट करना, ग्लानी गलत काम पर पछतावा, गलत काम पर जब पछतावा होता है तो उस भाव को ग्लानी कहते हैं। लज्जा क्या है? गलत काम करने पर संकोच होने का भाव क्या है? लज्जा। दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, अगम जहां पहुंचना संभव ही न हो। आगे शब्द है बेटा अपराध, कानून के विरुद्ध किया गया काम। पाप क्या है? अनैतिक काम। प्रेम सभी के प्रति प्रेम, स्नेह छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहते हैं, और प्रेम जो है सभी के लिए जो प्रेम होता है हमारे हृदय में, उसे सभी के लिए हमारे अंदर जो कोमल भाव होता है उसको हम प्रेम कहते हैं। श्रम केवल शारीरिक मेहनत, परिश्रम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का श्रम। सहयोग दोनों पक्ष होते हैं, सहयोग में दोनों पक्ष काम करता है, एक सहयोग करेगा तो दूसरा भी करेगा। सहायता एक पक्ष से होती है, एक पक्ष सक्रिय होता है। सेवा गुरुजनों या बड़ों की सेवा। शुश्रूषा रोगी व्यक्ति की सेवा। ग्रंथ बड़ी और धार्मिक महत्व की रचना, ग्रंथ क्या होता है? बड़ी और धार्मिक महत्व की बातें जिसमें रहती हैं उसको ग्रंथ कहते हैं। पुस्तक किसे कहते हैं? कोई साधारण किताब। सम्राट जो राजाओं का राजा होता है उसे सम्राट कहते हैं। राजा क्या है? सामान्य राजा। लोभ पाने की इच्छा, तृष्णा अधिक से अधिक पाने की इच्छा। विवेक अच्छाई बुराई की पहचान, विवेक किसको कहते हैं? जिस बुद्धि में अच्छाई और बुराई की पहचान करने की क्षमता होती है उसे विवेक कहते हैं। ज्ञान किसी विषय की जानकारी। तो बच्चों, यह जो हम लोगों ने पढ़ा है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये अपनी कॉपी में पूरा लिख लेना, ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग देखते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां देखो, ये है लोकोक्तियां, ठीक है, इसको देखो तो लोकोक्तियां। लोकोक्तियां क्या है एक बार देख लेते हैं। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों की योग से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति अर्थात लोगों द्वारा कही गई उक्ति। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। देखो लिखा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसमें दिया हुआ है बहुत सारी लोकोक्तियां हैं,
जैसे अधजल गगरी छलक जाए, यानी कम योग्य व्यक्ति का अभिमान करना। इसके अंदर योग्यता कम होती है, वो घमंड करता है, तो उसको कहते हैं कि जैसे गगरी में आधा जल रहता है तो छलकता रहता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में पढ़ा लिखा सम्मानित होता है। अकल बड़ी या भैंस, विशाल शरीर की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबका अपनी इच्छा से काम करना। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी वैसा ही कार्य करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी खीर निकालना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम कम लाभ। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अवसरवादी यानी जैसा देखा वैसा कहे। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस व्यक्ति धन नहीं खर्च करता। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने के बाद आदमी बहुत सावधान हो जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। अच्छा, ये सारी वाक्य में प्रयोग किए गए हैं जो लोकोक्तियां हैं। ठीक है बेटा, इधर दिया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों पर सीधी बातों का जब कोई असर नहीं होता तो उसको कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अपनी खिचड़ी अलग पकाने, यानी सबसे अलग थलग रहना। तो ये सारी जो है लोकोक्तियों को तुम लोग लिख लेना, 1 से 13 तक जो लोकोक्तियां हैं इसको तुम्हें लिखना है। ठीक है बेटा, तो अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।